ये एब्रॉन एक्सपोर्ट का पोटेंशियल डिजिटल पोटेंशियल मीटर है, ठीक है। जिससे और इसके दो इसमें पॉइंट्स हैं, आप यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगाओगे, एक में लिखा हुआ रेफरेंस इलेक्ट्रोड और एक के अंदर हमने ये इसका एडजस्टमेंट है, स्विच ऑन ऑफ करेंगे यहाँ से हम इसकी तारें हैं। अभी मैं आपको इसके इलेक्ट्रोड बताता हूँ, इसमें चार इलेक्ट्रोड हमारे साथ में आते हैं। ये मैंने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और स्टैंड बाय पे इस पर रख दिया। स्टैंड बाय का मतलब जीरो दिखना चाहिए। ये देखिए चार इलेक्ट्रोड हैं इसमें, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ये ग्लास इलेक्ट्रोड है, ये सिल्वर इलेक्ट्रोड है, इसके सिल्वर की टिप है, और ये वाला इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो चार इलेक्ट्रोड हैं ये, हमने इसके साथ प्रोवाइड करे हुए, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, सिल्वर इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ग्लास इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसमें हमारी रीडिंग जो है यहाँ पे एक स्टैंड बाई है, ये मिली वोल्ट मीटर बताता है यहाँ पे। इसका 200 मिली वोल्ट तक की रीडिंग आएगी या 2000 तक की आएगी, मैंने इसको यहाँ ले लिया 97 मतलब 2000 वाले में लिया। अगर 200 पे रखेंगे तो 96 पॉइंट्स में आना शुरू हो गया, ये इसकी रीडिंग है। अगर हम इस समय जो मैंने यूज़ करा है, ये सैनिटाइजर वाला एक सॉल्यूशन बनाया हुआ है और इसका सोप सॉल्यूशन का बनाया हुआ है ये, तो इसकी रीडिंग मैंने ले ली है। ये मैं दोबारा आपको बाहर निकाल के रख देता हूँ, यूज़ में नहीं है इस समय, ये दो इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं। इसको अगर करना है मैंने वो निकाल लिया, और मैं कोई भी सॉल्यूशन के अंदर ये डालूँगा तो इसकी रीडिंग अब ज़्यादा वाले में आ रही है, तो 33 3027 स्टेबलाइज होने में टाइम लगता है। तो ये एक बार इसको मूव करके, स्टरर से भी कर सकते हैं आप, स्टेनलेस स्टील के स्पून से कर सकते हैं। केयर एक ही रखनी है कि इसका जो इलेक्ट्रोड की टिप है ये वाली, ये रेफरेंस वाली, ये सेमी परमिएबल होती है, ये टूट जाती है अगर ज़्यादा अगर ज़मीन पे टच हो जाए। इसका भी ऐसी है कि नीचे से इसमें से ग्लास है ऐसा जिसमें से इलेक्ट्रॉन तो पास हो जाते हैं, केमिकल पास नहीं होता। ये इलेक्ट्रोड में यहाँ सॉल्यूशन डालने के लिए ताकि डिप करके रखें, और इसके लिए कंटेनर एक साथ में आया हुआ है, इसके अंदर हमेशा डिप करके रखना है। और आपका ये वाले के लिए हमारा सिर्फ कैप आया हुआ है, इनका भी कोई कैप की इसके अंदर साथ में है। तो कोई आपको कोई चीज़ पूछनी हो हमारी वेबसाइट को देखिए और हमें लिखिए। प्लीज़ विजिट अवर वेबसाइट एंड राइट टू अस एवरॉन 01@gmail.com। थैंक यू वेरी मच।